फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हरे भरे जूस की रेसिपी लेकर आई हूं। तो आज हम बनाएंगे पालक का जूस। आपको अगर अपनी हड्डियां मजबूत करनी है तो इस जूस को आप ज़रूर लीजिए। ये हमारी बोन्स को मजबूत करता है, और अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि 100 ग्राम पालक में सिर्फ 26 कैलोरीज होती हैं। तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। जिन लोगों को ये नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो आपको पूरा देखना है। तो इस जूस को बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पालक लिया है, इसे मैंने धो लिया था अच्छे से। एक नींबू का रस ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया। इन्हें हमें मोटा मोटा कट कर लेना है। अब आपको लेना है एक ग्राइंडिंग जार। जूसर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ग्राइंडिंग जार आप लीजिए। और इसमें डाल दीजिए पालक, धनिया, और इसमें डालिए आप 2 से 3 ग्लास पानी, और इसे ढककर कर लीजिए ग्राइंड। तो ग्राइंड मैंने इसको कर लिया है, अब इसे हमें छान लेना है। देखें कलर कितना अच्छा है। हरी सब्जियां वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। तो जूस अगर आप इस तरह से बना कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे नींबू। तो नींबू आपको अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करना है। मैंने इसमें एक नींबू का रस ऐड किया है। आप इसको ऐसे ही लेंगे तो ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ मसाले ऐड कीजिएगा। मसाले में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, और इसे मिला देंगे। ये जूस हमारा तैयार है, आप इसे लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी भी ये है। अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये सही नहीं है, और जिन लोगों को पथरी है वो लोग भी इसे बिल्कुल मत लीजिएगा। बाकी सब लोग इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, मज़ेदार भी है। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।